गुरुवरों के आशीर्वाद की श्रृंखला में मेरे साथ हैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रमुख शिष्य मुनि प्रज्ञास सागर जी, उनका भी हम आशीर्वाद लेंगे। महामस्तकाभिषेक 2018। भगवान बाहुबली की यह भूमि भेदभाव को मिटा देने वाली भूमि, यहां पर सभी लोग पंथ व्यामोह को भूलकर भगवान बाहुबली की चरण रज अपने माथे पर लगाने के लिए उपस्थित होते हैं। काश देश के सारे तीर्थ गोमटेश्वर बाहुबली की तरह हो जाएं, तो समाज के सारे विवाद आपको आप रातों रात खत्म हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर ना कोई तेरा पंथी है, ना कोई बीस पंथी है, ना यहाँ कोई दिगंबर है, ना कोई श्वेतांबर है। यहाँ यदि कोई है तो भगवान बाहुबली का दीवाना है, और सब दीवाने बनकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे। आज मेरा रोम रोम पुलकित है भगवान बाहुबली के इस द्वार पर आने के बाद। साथियों, मैं संपूर्ण देश की दिगंबर जैन समाज का आह्वान करता हूं कि जैसा इस महामस्तकाभिषेक की टेडलाइन है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। मैं कह रहा हूं, यदि आपका सौभाग्य अभी भी आपको यहां पर आने के लिए तैयार ना कर पाया हो, तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलिए और भगवान बाहुबली के चरणों में आकर के अपने आप को समर्पित करिए। क्योंकि यही क्षेत्र हमारे मनोमालिन्य को दूर करेगा, हमारे मनमुटाव को दूर करेगा, हमारे मन के कालुष्य को दूर करेगा और एकता और अखंडता का संदेश देगा। मैं वाह जिंदगी के माध्यम से कहूंगा कि जिंदगी में वाह वाह उसी की होती है, जो देव शास्त्र गुरु की वाह वाह करता है उसकी वाह वाह होती है, और जो देव शास्त्र गुरु की परवाह नहीं करता है उसकी हवा हवा होती है। तो इसलिए हवा तो निकले लेकिन धर्म के नाम की निकले, ऐसी हवा ऐसी फिजा निकले कि सारा वातावरण बाहुबलीमय हो जाए, तो हम यही कामना करते हैं। हो नगर नगर में बाहुबली, हम यही कामना, ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली। तो वाह जिंदगी के माध्यम से सभी लोग बाहुबली की वाह में आए और अपने आप के जीवन को वाह वाह से युक्त करते हुए जीवन के उत्साह को आनंद को प्राप्त करें। वाह जिंदगी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये थे मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी, जिनके बारे में मैंने केवल सुना था कि इनकी वाणी से रोम रोम खिल जाता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इनकी आवाज को सुनने के बाद मेरे शरीर के रोम रोम खिल गए। इनकी जो पुरजोर आवाज और पुरजोर आवाज के साथ जिस तरीके से इन्होंने आह्वान किया है, मैं बिल्कुल सही कहूँगा कि मैं यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो वह ज़िंदगी बनी है। लेकिन अगर आप नहीं आते हैं, शायद आपकी ज़िंदगी वह ज़िंदगी नहीं बन पाएगी। अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाने के लिए सरवन बेलगुला में ज़रूर आएँ।